अभिषेक, ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल गई। अब आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हमारे पास आगे की जानकारी ये, रोहित, की ईडी की टीम वहां से निकली, चूंकि हेमंत सोरेन वहां से निकल गए हैं और ये तय हो गया है, ये डिसाइड हो गया है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा। और यहां पर एक 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 पुलिस का एक एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक एक इमारत है, बहुत ही सेफ इमारत है और इक्विप्ड, फुली इक्विप्ड इमारत है, वहां पर हेमंत सोरेन को रखा जाएगा। तो हमारी जानकारी यही कहती है रोहित कि अब हम राजभवन पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक आप चलिए, दीपक रावत के पास चलते हैं, उनसे कोई इस वक्त बात कर रहे हैं। चुना है आप लोग चंपई सोरेन जी का, ये बताइए कि गिरफ्तारी क्या, सर गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी बात करेंगे। उनके साथ कौन कौन है चंपई सोरेन जी के साथ? उनके साथ हैं, उतना हम नहीं जान रहे कौन, आलमगीर चाह है और प्रदीप यादव जी हैं, विनोद पांडे जी हैं, भोक्ता जी हैं, मान्य सिंह। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के गिरफ्तारी की जो बात आ रही है, क्या ये सूचना है आप लोगों को हेमंत सोरेन जी को लेकर? हम लोग को जो अभी तक सूचना है कि हाउस अरेस्ट होगा, हाउस अरेस्ट करेंगे। हाँ, आप ये कह रहे हैं हाउस अरेस्ट, हाँ, जो हम लोग का ये आप लोग कह रहे हैं या ईडी की तरफ से कहा? नहीं, ईडी तरफ से कहा, ईडी की तरफ से। हाँ, अब ये आगे की प्लानिंग क्या है सर आप लोगों की? आपने कब की मांग की सर? आप नहीं जान रहे हैं सर, आपने मांग कब की है, कब शपथ हो जाए? जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि हाउस अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी गवर्नर का जो मांग कब कर रहे हैं वो कैसा है? आप लोग इतने लोग आए हैं, सारे माननीय हैं, क्या वो समय नहीं देना चाह रहे हैं या? नहीं नहीं, समय देने की बात नहीं है, समय वो दिए हैं 9:30 बजे, ठीक है, और हम लोग को यहाँ वेट करने बोले, थोड़ा सा समय जो हम लोग चले ना उसी बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। सीएम कितने लोग गए हैं सर, कितने लोग? सीएम साहब पहले जाना था, इसके बाद हम लोग को जो, तो हम लोग को उसके बाद बुलाया जाएगा। हम लोग जो समर्थन पत्र देंगे विधायक, नया विधायक दल का नेता जिसको हम लोग चुने हैं माननीय चंपा बाबू को, तो उसको देंगे अभी जाके हम लोग। तो लेकिन अचानक से आपने तय करा कि इस्तीफा देंगे नया, कि अब चंपई सोरेन की सरकार है, मंत्रिमंडल नया होगा, चेहरा नया होगा या सब? तो ये बड़ी खबर ये है कि हाउस अरेस्ट की बात चल रही है, हाउस अरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, कि इन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ईडी शायद हाउस अरेस्ट करेगी हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के बाद से। यानी ये बात खुद एक विधायक सत्ताधारी गठबंधन के विधायक की बात कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, यानी यही तस्वीर साफ है। ये पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उसके बाद ही हुआ जब ये तस्वीर साफ हुई होगी, क्योंकि खुद विधायक ये बात कह रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खुद विधायक ने बात कही कि उनकी गिरफ्तारी होगी, तो इसीलिए उससे पहले राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब वो तमाम विधायक मांग कर रहे हैं कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई जाए। खुद विधायक महोदय कह रहे हैं कि 9:30 बजे का समय मिला था लेकिन हम पहले पहुंच गए, इसलिए राजभवन से उनको बाहर भेजा गया और अब हम 9:30 बजे तक का इंतजार करेंगे। ये बात भी कह रहे हैं तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला भी अंदर है। पूर्व मुख्यमंत्री अब कहना होगा क्योंकि इस्तीफा दे दिया। सुनिए, सौंपने के लिए जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं, सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं जी, शायद ऐसी सूचना आ रही है जी। देखिए, राज्यसभा सांसद है मैडम जी, झारखंड में जिस तरह की स्थिति बनी है अभी कैसी? हाँ जी, देखिए ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा, और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या बल है पूरी तरह से, सारे विधायक जो गठबंधन के हैं सभी साथ में हैं, सारे मंत्री साथ में हैं और सब लोगों ने मिलकर अपना विधायक मुख्यमंत्री चुन ही लिया है। माननीय चंपई सोरेन जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है उन्हीं को निर्णय लिया गया है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर दिया था, आप लोग आगे क्या? अभी कोई रणनीति नहीं बनी है जी। अब देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो राजभवन के बाहर इकट्ठा हुए हैं, महागठबंधन के बात कर रहे हैं मीडिया से और सीधे तौर पर किसी भी वक्त अब खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं, पर फिर से रुक करेंगे अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक,
इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया। राजभवन से 9:30 बजे का वक्त भी मिला है, लेकिन जल्दी से दीपक का रुख करते हैं राजभवन के बाहर से। दीपक, तरह से परेशान किया जा रहा है, तो वो कहावत है सत्य को परेशान किया जाता है पराजित नहीं। हम लोग पराजित होने वाले लोग नहीं, हम लोगों ने अपना नया नेता चुन लिया है और आदरणीय चंपई सोरेन जी हमारे नए नेता के रूप में प्रस्तुत किया है हम लोगों ने। ये आपको बता दिया गया है कि उनकी अरेस्टिंग हो रही है, इसीलिए आपने तुरंत यहाँ आकर इस्तीफा दिया? देखिए, इतना ईडी अगर बताती तो आपको बताती सबसे पहले। अभी तक सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से सारी खबरें चलवाई, फरार हैं, लापता हैं, आप लोगों ने चलाया ना। मैं सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ईडी नहीं हूँ। अभी तक आपको जानकारी नहीं है कि गिरफ्तारी हुई? नहीं, बिल्कुल कैसे आपको जानकारी है तो आप बताइए। आपके मंत्री कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट की बात कर रही है, ये वो ईडी वही तो बोल रहे हैं। ईडी लगातार रूमर फैलाती रहती है, और अगर इस तरह की कोई बात है तो यही ईडी बताएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर अरेस्टिंग नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, अगर अरेस्टिंग नहीं हो रही थी तो क्यों अचानक से? प्रवक्ता के रूप में बात करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं, ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, ईडी ही बेहतर बताएगी। स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए देख रहा था कि अंतिम व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहा है, वैसे में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। आपने अचानक से क्यों फैसला कर लिया अगर आपको लगता है कि अरेस्टिंग नहीं हो रही है? अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। जी अभिषेक, हम तो 100% गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन हमारा है। अभिषेक, आप लाइव कि अगर घटनाक्रम जो आज चल रही है, तत्कालिक तो ये है कि सारे एमएलए जाए थे, 45 एमएलए संख्या 45 या उसके गवर्नर साहब ने मिलने से इनकार किया। अच्छा, 45 एमएलए पहुंचे थे तो चंपई सोरेन को 45 एमएलए का समर्थन ना? 45 एमएलए समर्थन है, चंपई सोरेन का समर्थन और हमन जी का इस्तीफा, लेट हिम कम बैक फ्रॉम गवर्नर हाउस, उसके बाद ही पता चले। ये बताइए कि कुल 45 कितने साथ सिग्नेचर कितने दिए हैं आप लोगों ने अंदर? 45 दिए या और ज्यादा दिए हैं? इन अभी है सब सब, हाँ अभी आए हैं, साथ यहाँ आए हैं। हमारा तो मेरे ख्याल से 50 के लगभग का है बाबू। अच्छा, अरेस्टिंग के बारे में क्या जानकारी मिली? अरेस्टिंग के बारे में कुछ बताया आपको अभी कि अरेस्टिंग हो गई है या अभी इसके बाद होगी? देखिए, जो घटना हो रही है यहाँ, पल पल की घटनाएं हो रही है, तो जो चीफ मिनिस्टर अंदर गया है उसको आने दीजिए, उसके बाद की क्या? आपका दावा स्वीकार कर लिया राज्यपाल ने, जो आप लोग दावा चंपई सोरेन के नाम का देके आए हैं वो स्वीकार हुआ है? कैसे पता चले? अभी तो वो जो हम लोग से मिलने ही नहीं दिया, तो भी नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, कोई 5 लोग गए अंदर, 5 लोग गए? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं गया। ये आप बता सकते हैं? देखिए, ये सुबोध कांत आए हैं, ये भी अभी डार्क में लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा 45 ये नंबर इंपॉर्टेंट है रोहित, 45, और ये हम शुरू से कह रहे हैं कि 43 तो उस मीटिंग में भी थे, दो और जोड़ करके 45, जो चंपई सोरेन को समर्थन अभी तक मिला है वो 45 का मिला है, 48 की स्ट्रेंथ की बात कही जा रही थी, अब ये कंफर्मेशन होना। और आपको देखिए यहाँ की तस्वीर, और देखिए यहाँ पर किस तरह से ये सामने की ओर देखिए किस तरह से यहाँ से विधायक बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद जो है उनसे ये देखिए एक तो बिल्कुल। अभिषेक आप तो कोशिश करिए किसी से वहाँ पर बात हो, बिल्कुल बहुत वहाँ पर हलचल है, बहुत तस्वीरें हम लगातार वहाँ से पल पल का अपडेट आप लगातार दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं अभिषेक। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि अंदर तमाम विधायक बाहर हैं, जो सुबोध कांत सहाय पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने ये बात कही, लेकिन खबर आ रही है कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त हेमंत सोरेन अभी राजभवन के भीतर है, पद से इस्तीफा दे दिया है, 9:30 बजे का वक्त राजभवन से मिला है तमाम विधायकों को मिलने का, इसलिए ये तमाम विधायक राजभवन के बाहर डेरा डाले हुए हैं। जी अभिषेक, और अगर गिरफ्तारी को लेकर बात की जाए तो खुद महागठबंधन के विधायक ने भी कुछ देर पहले बात कही कि हाँ से खबर हमें भी मिल रही है गिरफ्तार हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है। और अभिषेक, कुछ हलचल देखने को मिल रही है आपके पीछे अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हलचल ये दिख रही है कि यहाँ पर इस पूरी सैनिटाइज किया जा रहा है, इस पूरी जगह को देखिए, मुझे लग रहा है हेमंत सोरेन यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ये देखिए रस्सी लगा करके मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले तक तो यहाँ पर मीडिया यहाँ अंदर तक थी, लेकिन अब ये इस तरह से रस्सी लगा करके और मीडिया को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो यहाँ से जानकारी है कि हेमंत सोरेन ये रास्ता दिखाएगा आपको इस रास्ते से, और यहाँ पर बाकायदा एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, संभावना इसी बात की है कि इस रास्ते से हेमंत सोरेन यहां से निकल सकते हैं। ये उसी की चहल पहल और हलचल यहां पर नजर आ रही है। ईडी इस्तीफे देने के बाद उनको
गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है, हमारे जो सोर्सेस कह रहे हैं रोहित। और अब हमें लग रहा है ये वही डेवलपमेंट है और उसी के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट किया जा रहा है। और इस बीच में देखिए लगातार यहाँ पर यहाँ से भी आगे हम दिखा रहे हैं कि लगातार जो किस तरह से यहाँ मूवमेंट हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर देखिए हर जगह सिक्योरिटी आकर के यहाँ से सैनिटाइज कर रही है इस पूरे रास्ते को। थोड़ा जगह दीजिएगा, इस पूरे रास्ते को सैनिटाइज कर रही है। इधर थोड़ा आ जाइए, निकल आइए, मैं आप इधर की तस्वीर दिखाऊंगा रोहित आपको। देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा ये इसको कॉर्डन किया जा रहा है और इसके आगे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मीडिया यहाँ से हट जाए। मुझे लग रहा है ये रास्ता है, रास्ता दिखाइएगा, इस रास्ता है जिस रास्ते से निकलेंगे सीएम को लेकर के निकलेंगे। ये सामने के जो गाड़ी दिखी आपको दिख रही है ये उसकी पूरी तैयारी है और इसीलिए इस रास्ते को सैनिटाइज किया जा रहा। हलचल यहाँ पर बेहद ही तेज हो चली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।